भारत में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का कहर जारी। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर दृश्यता 0 हो गई है। मौसम विभाग ने रविवार को 8 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी को लेकर चेतावनी जारी की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड से 68 लोगों की मौत हुई। घने कोहरे के चलते उत्तरी रेलवे की 30 ट्रेनें देरी से चली। कोहरे का सितम विमानों पर भी देखा जा रहा है। 3 फ्लाइट को दिल्ली से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई फ्लाइट रद्द नहीं की गई। अनुमान है कि 1 से 2 जनवरी के बीच यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। रविवार को न्यूनतम पारे में कुछ बढ़ोतरी दिखी, पर दुश्शरियां कायम रही। हवाओं के रुख में बदलाव के चलते सोमवार से उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार है। दिल्ली में लगातार 16वें दिन भी शीतलहर जारी रही। इसने 118 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1901 में सर्दी ने दिसंबर महीने में इसी तरह कहर बरपाया था। नए साल में 1 से 3 जनवरी तक रात के वक्त हल्की बारिश और 2 जनवरी को ओलावृष्टि का अनुमान भी लगाया गया है।